ईश्वर ने हमें एक ऐसा मैग्नेटिक फोर्स बनाकर भेजा है, एक ऐसी दिव्य शक्ति दी है जिसके जरिए हम अपनी इच्छा और मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर वो संभावना है, हर व्यक्ति के अंदर वो तत्व है, बस जरूरत है तो उसे जागृत करने के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इतनी मायूसी भरी बातें करते हैं, दिन भर अपने कष्टों का रोना रोते रहते हैं, हर वक्त उनके मन में वही कैसे होगा क्या होगा, यह ऐसा दिन भर इतना निगेटिव सोचते रहते हैं जिसकी वजह से उनके जीवन में कभी भी धन समृद्धता आती ही नहीं है, ना उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, ना उनके बच्चों का विकास हो रहा है, ना उनके घर में समृद्धि होती है, ना उनके जीवन में समृद्धि होती है। क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि सारे ही कार्य आपके टक रहे हैं? तो क्यों ना आज इस प्रयोग को आप करके डालें, करके देख लीजिएगा। आपको ही आपके द्वारा आप वो मैग्नेटिक फोर्स बन जाएंगे कि आपकी चीजें, आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। लेकिन उसके लिए आपको परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, क्योंकि आप उसकी संतान हैं। ईश्वर कभी भी अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकते, वो आपके लिए तैयार बैठे हैं, बस जरूरत है तो आपको उन्हें पुकारने की। किस विधि से आपको क्या करना है आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी आशुतोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे प्रतिदिन के दोनों वीडियोस 8 बजे आती हूँ, अमृत की बूंद जादुई अक्षर लेकर, 1 मिनट का प्रयोग और आपके पूरे दिन को लकी बेहतर बनाता है, वो भी आपको समय से मिलता रहे। दोस्तों, ईश्वर ने हमें दिया है मन, जो है हमारा चंद्रमा, जो हमारे दिमाग से चलता है। आपने देखा है कि आप जब बैठे होते हैं और जब आप किसी अन्य चीज के लिए सोच रहे होते हैं, आपका मन भी वही इमेजिन करने लगता है। आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका जाना चाहते हैं और आप अमेरिका का अपना सोचते हैं, आपका मन वही पहुंच जाता है। इस मन के जरिए आप अपनी हर इच्छा को, तरंग को पूरा कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी ईश्वर, ईश्वर से मांगने वाली एक वो कला जो आपको पूरी तरह से आपके ही बस में है। ईश्वर ने आपको मन दिया है, अपने मन को संतुलित कीजिए, अपने मन को निगेटिविटी से बचाइए। हम क्या करते हैं, दिन भर वो सोच रहे होते हैं जो हमारे पास नहीं है। अब जो नहीं है आप उसी को सोच रहे हैं, तो वही तो आ रहा है आपकी लाइफ में। अच्छा, आ भी कहाँ रहा है? मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं, तो वही तो हो रहा है, मेरे पास है ही नहीं, आएगा ही नहीं। आप तो ले ही नहीं रहे कुछ भी। अच्छा, आप ये कहिए कि मेरे पास सब कुछ है, परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, फिर देखिएगा ईश्वर आपसे कितना जल्दी प्रसन्न होकर आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। आपको ये इच्छा कैसे पूरी करनी है? आपको सुबह जब आप उठते हैं, आराम से उठिए, एक गिलास पानी अपने पास भर के रखिए। आप एक गिलास पानी रात में ही ढककर रख लीजिए, विशेष रूप से कांच का गिलास रखिए, स्टील का भी नहीं, पीतल का भी नहीं, ना किसी अन्य धातु का। आप रखिए कांच का एक गिलास, अगर गुनगुना पानी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो यही पानी। अपना उठने के साथ में अपने हथेलियों के दर्शन कर लिए आपने, इनको 3 बार इस तरह से 3 बार रब करके अपने चेहरे पर मला आपने, आपने उस परम पिता परमेश्वर को नमस्कार किया कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आज का दिन जो मुझे दिया है, आज का दिन मेरे लिए लकी है, बेहतर है, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो ईश्वर आपने मुझे आज का दिन दिखाया। उसके बाद ये पानी अपने हाथ में पकड़ लीजिए। अब आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, क्या चाहत रखते हैं, कौन सी ऐसी समस्या जो आपकी पूरी नहीं हुई है, वो आपको बोलनी है कि मेरी ये पूरी हो गई है, मेरे जीवन में ये सारी चीजें चल कर आ रही हैं, धन वैभव ऐश्वर्य से मैं परिपूर्ण हो गया हूँ। पानी को अपने दोनों हाथों में इस तरह से पकड़ना है, धन वैभव ऐश्वर्य से परिपूर्ण हूँ, कर्ज से मुक्त हो चुका हूँ, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है कि मेरे अपने तो जरूरतें पूरी हो रही हैं, मैं लोगों की भी इससे मदद कर रहा हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मुझे स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है, मेरे घर में परिवार में सुख समृद्धि और शांति बढ़ती चली जा रही है। ये शब्द आपको डेली बोलने हैं, पानी को देखते हुए बोलने हैं, 3 फूंक मारनी है और इस पानी को आपको पी लेना है। पानी पीने के साथ में ही आपको सीधा पैर जमीन पर रखिए और आप खड़े हो जाइए। बस एक इस प्रेयर से ही आपके जीवन में वो सारी चीजें आपके पास अट्रैक्ट होकर आने लगेंगी, यानी ईश्वर आपको सारी चीजें आपको दिलाना शुरू करेंगे। ये मात्र 16 सेकंड का प्रयोग है। अगर आप इसको दिन में 2 बार करते हैं, जैसे रात में 1 बार सोते समय आप इसी प्रयोग को कर लेते हैं, दिन में ये इच्छा आपकी आपने टाइटल पढ़ा है 64 सेकंड में अपनी इच्छा
कोड करिए, ये बिल्कुल वही कार्य करता है। अजमाया हुआ प्रयोग है दोस्तों। मैं बच्चों को तो विशेष रूप से बताती हूँ, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं उनको तो मैं उपाय विशेष रूप से देती हूँ कि किस तरह से आपको पढ़ाई करके क्या बोलना है इस पानी के अंदर और कैसे पीना है, क्योंकि पानी हमारा रूप बदलता है, हमारी सुनता है, हमारी मानता है। इस पानी में हम जो चीज़ें डालते हैं वो हमारे जीवन में घटित होने लगती हैं, क्योंकि पानी है चंद्रमा, पानी है शुक्र, और ये पीने के साथ में हमारे ब्लड में मिल जाता है और पूरे शरीर में एक साथ दौड़ जाता है, एक साथ एक एक पोर में चला जाता है, हमारे मन मस्तिष्क में पूरे में घूम जाता है, तो हमारी इच्छा को वो पूरे शरीर में घुमा देता है, चमत्कारिक रूप से आपको लाभ पहुंचाता है। आपकी इच्छा पूरी होकर रहती है, चाहे कैसी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना, आपके लिए वो मार्ग खुल जाते हैं कि ये इच्छाएं आपकी पूरी हो जाए आप ही के जरिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना है, आपको वो शक्ति दी है। इस शक्ति को आप कैसे जागृत कर ले, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है, रास्ते अपॉर्चुनिटी अपने आप चल कर आती हैं आपके पास, माध्यम बनना शुरू हो जाता है, कोई ऐसे व्यक्ति आपसे जुड़ने लगते हैं, कोई इस तरह की माध्यम आपके पास आने लगता है कि आप अपने जीवन में ऊंचाइयां चढ़ने लगते हैं। विश्वास के साथ में करेंगे आपको इसका रिजल्ट 21 दिन के अंदर दिखाई देगा। 21 दिन क्यों, 21 दिन इसलिए कह रही हूं कि आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करने में टाइम लग जाएगा। आप इस चीज को मानते मानते आपको 21 दिन निकल जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। अभी तो आप अपने आप से कहोगे नहीं ऐसा नहीं होगा, ये कहना छोड़ना है ऐसा ही होगा, ये आपको अपने आप को विश्वास दिलाना है, मैं जो बोल रहा हूं ऐसा ही होगा। फिर ईश्वर कहेंगे कि तथास्तु, सही जा रहे हो बेटा, सही रास्ते पर चल रहे हो, अब आपका कार्य होकर रहेगा, देखिएगा आपकी हर इच्छा पूरी होगी। इस कामना के साथ में इस प्रयोग को कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, इसके साथ ही शेयर भी अधिक से अधिक लोगों को कीजिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसीजर है हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलूंगी ऐसे किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।